दोस्तों, अगर आप MPA DPO की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ही आवश्यक देखें, क्योंकि अब सारा सब कुछ क्लियर हो चुका है कि कब पेपर होना है, कैसे होना है। तो अब एक ही चीज़ पे फोकस है होना चाहिए हमारा, ओनली ऑन पढ़ाई पर। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि कौन सब्जेक्ट पहले पढ़ें और कैसे पढ़ें। मैं आपको आज 5 सब्जेक्ट बता रहा हूँ, उनको आपको 1 महीने में तैयार कर लेना है। आपको सिलेक्शन जो है बहुत ही इजी लगेगा कि कितना आसान सिलेक्शन हो गया। बस बात को मान लेना दोस्तों और मेरे साथ पढ़ते चलना, बहुत इजी चला जाएगा आपका एग्ज़ाम। बहुत बड़ी पोस्ट है तो आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से 5 सब्जेक्ट जो है पहले पढ़ना है। तो मोटर व्हीकल एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, IT एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आबकारी एक्ट और NDPX। इन एक्टों को कैसे पढ़ना है ये ज़रूर सुन लें आप। इन 5 को सबसे पहले आपको निपटाना है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं दोस्तों तो लास्ट में यही रह जाते हैं, जहां आप फंस के रह जाते हैं, ये एक्ट आपके नहीं हो पाते हैं। पहले एक एक्ट को पढ़ना है थोड़ा थोड़ा करके, एक एकदम नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको याद करते जाना है। 5 सेक्शन की पर 10 की इसका रिवाइज किए, ऐसे ऐसे करके इनकी OT लगाना, जितने भी क्वेश्चन इनके संबंध में मिले पूरे अपन को लगा डालना, और फिर इनका जाहिर जो है रिवीजन बार बार करते चलना है। तो मोटर व्हीकल एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आबकारी और NDPS दोस्तों मेरे साथ आप पढ़ लीजिए। बहुत ही इजी आपका जो है एग्ज़ाम चला जाएगा, वेरी वेरी इजी, और बहुत अच्छे तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे, पूरा याद करेंगे, और दोस्तों इसमें OT भी लगाएंगे। जहाँ से मिलेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। इनको लास्ट में नहीं ले जाना है, इनको सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है। इनको पढ़ लोगे तो कई बार इनको जो है रिवाइज कर लोगे आप दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।